Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. दादू शहर की पहरी डिफेंस लाइन टुटण का पोए पानी जा वहकरा थका शहर में दाखिल दादू के बचाण लाए बाईपास वट एक नव रिंग बंद ठाण जो कम जारी गुजल रात हथियारबंदन जोही भानसईदाबाद रोड वटा रिंग बंद के कठणी टोड़े छो हो पानी जा वहकरा केतरा ही गोठ बोड़न बाद फका शहर में दाखिल थी वो फका खुदाबाद में रहवासन की लड पलाण जारी बुड़ी वेल कुछ गोठन में केतरा ही मानू फाथल डीसी दादू तरफा डिस्ट्रिक्ट जेल के 200 कैदन के सेंट्रल जेल मुंतकिल करने की हिदायत जोही भान लिंक रोड के कट ईंदड़ खिलाफ खुदाबाद थाने ते एफआईआर दाखिल केस में मौके पर इख्तियार किया है सेवण से वास्तो रखड़ हथियारबंदन रोड के कट दिनों गश कड़ अहलकार पौता त हमलो कर खेन जख्मी किया टल्टी भरसा एलएस बंद के 20 फुटन जो कट दियण बाद पानी सिंधु दरिया में छोड़ थियण लगो सवा करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है फॉरेन कंट्री से इमदाद है ये सब मिला के 2 लाख टेंट पे भी नहीं पहुँचे हैं इस वक्त बहुत एक बड़ा इंसानी अलमिया है जो इस वक्त हुआ हुआ है मेरी जो कल अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त थी हमने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए अभी हम चीज़ें चाहिए हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें और मॉस्किटो नेट्स तीसरा मैंने उनसे बहुत शदीद तकलीफ में इस वक्त लोग कोशिश कर रहे हैं कराची में लोग आए हैं 18,000 उस दिन मुझे बताए थे तकरीबन हैं उन सबका रिकॉर्ड मौजूद है कुछ अजीब व गरीब किस्म की आई थी मेरे ख्याल कम अकली में ना समझी में कुछ स्टेटमेंट्स वो भी बड़ी गलत थी इस मामले में तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और जब तक इन सैलाब जदगान को किसी हद तक कम्फर्टेबल नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे सिंध जा सवा करोड़ बेघर मानू इंसानी अलमिये के मुंह डे रहा है सदे मुल्क आलमी इदारन की मदद बावजूद मुतासर तई बलख खैमा भी ना पहुंचाए सकया वे वजीर मुराद अली शाह जो मजारे काय ते मीडिया से गाल मुराद अली शाह असा गडल कौमन के सेक्रेटरी जनरल के भी असा के पैसा न खपन सिंध के खैमन दवाओं मच्छरदान की जरूरत है तबाह थे आबादगार के 2.5 अरब रुपये जो पैकेज दियण चाहूँ था बिन महीन अंदर पानी निकाल कर कणक फसल पोखण चाहूँ था कराची पौतल 18,000 बोर्ड मुतासर की सार लहंदी सिंध के बोर्ड मुतासर बाबत कुछ मानून बेवकूफ़ी बारा बयान दिना सिंध के पानी से को भी डैम ठाण की गुंजाइश ना है सिंध के इलाक़ में डैम ठा वे तो कोई एतराज़ ना मैं अगर कराची में आप पटीदन में जो बाद में डैम बना सकते हैं तो मैं हाजिर हूँ नहीं बन सकता मेरे भाई फ्लैट लैंड है ना ये समझे बात को और जो 1100 मिलीमीटर सिंध के अंदर बारिश होती है उसमें वो नॉर्थ वाला डैम का पानी आप कैसे ले जाएंगे ये भी मुझे समझा दें तीसरी बात कि ये जो बारिश अभी हुई है ग्लेशियर मेल्ट की हम बात करिए मैं कई बार कह चुका हूँ उससे एक डैम नहीं अगर आपको एक कैरी ओवर डैम बहुत बड़ी क्वांटिटी का बनाना पड़ेगा जिसके लिए बात होती है वो कजरा का मकाम है या कोई है ये जो कन्वेंशनल डैम्स है ना कि खरीफ में पानी स्टोर किया और रबी में रिलीज किया उसकी जुड़ो जी पुराण ढोरे के लगल खारो ब हफ्ता गुजरण बावजूद बंद न कर
बुडी वियल शहर झुडे और गोठन में पानी की सतह लागीतो वधण लगी। शहरी ए गोठाणा पांजी मदद पान तहत घारो बंद करण विरुद्ध शहरन जो चवण है तो बुडी वञण खां पोए सरकार और इंतजामिया झुडो के विसारे छड्यो आहे। शहर में पनाह वठंदड़ हजारे मानू निंदड़ का बढ़ल खाद खुराक बेन सहूलतों जो को इंतजाम न कियो। पाकिस्तान पारा बरतानवी रानी इलिजबेथ के लाडाणे से सुभाणे कौमी सोग जो ऐलान। सुभाणे सरकारी इमारतों से कौमी झंडा निवल रहंदा। काबीना डिवीजन की तजवीज से वजीर आजम शहबाज शरीफ सुभाणे कौमी सोग मल्हाइण की मंजूरी दिनी। रानी इलिजबेथ की आखिरी रस्मों में वजीर आजम शहबाज शरीफ के भी शिरकत का इम्कान। पीपल्स पार्टी के एमपीए मोहम्मद अली मलकानी पारा आपाशी खाते से सजावल जिले के आबादगारों को पानी रोकने का इल्जाम। पानी न मिलने की सूरत में धरणे हण जो चिताव। मोहम्मद अली मलकानी जो चवण है तो बोर्ड सजावल जिले जा अक्सर फसल तबाह कर छड़ा हैं। रैल फसलन जो पानी आपाशी खाते रोके छड़ो है। जिले में पानी की अतरादू खोट खत्म न कई वही तो पीपल्स पार्टी के जिले कयादत पारा हजारे मानन जो धरणो हयो वेंदो। बोर्ड सटल सिंध के मुख्तलिफ शहर में वसकारो जारी। खिपरो में गजगोट से तेज बरसात। हथूंगो अछड़ो थर मलकानी शरीफ और बेन इलाक में भी वसकारे सबब जल थल। मौसमियात खाते तेज हवाओं से बरसातों की अगकथी कर छी। मौसमियात खाते मौजूब थरपारकर बदीन उमरकोट और मीरपुर खास जिलों में अज भी बरसात का इम्कान है। सुभाणे टनो मोहम्मद खान सजावल ठथे जिले में बरसात पैजी सके। तवां अकेला ना हो। टाइम न्यूज़ जो दर्द भोगींदड़ बोर्ड मुतासरन लाए पैगाम। बुडल सिंध के बचाण लाए सारी सिंध मैदान में लथल है। बोर्ड मुतासर लायक में खैराती इदारन सरहदी वारन खां सिवाय आम मानू भी भायरन भेनरन की मदद कर रहा है। लाड़काने जा सोशल वर्कर शहरी बोर्ड मुतासर बारन के मलेरिया का बचाण लाए मच्छरदानियों पहुँचाने लगा। कोटड़ी में ब हजामन बोर्ड मुतासरन की हेयर ड्रेसिंग कटिंग लाए रिलीफ कैंप में मुफ्त सैलून कायम कर वरती। बिन्हीं हजामन 500 खां वधीक बोर्ड मुतासर बारन जा बार कटिया। जिंदगी के मुख्तलिफ़ शोबन से ताल्लुक रखड़ मू राशन बो सामान खड़ी रिलीफ कैंप्स में पहुंचा रहा है। बोर्ड मुतासरन से दुख की घड़ी में गड बीहदड़ सिंधवासन के टाइम न्यूज़ जो सलाम। जैकबाद वेझो मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन की फायरिंग। ब भायर मार वया। आबाद थाने की हद गोड़शानी लाड़ो वट हथियारबंदन बिन नौजवान भायरन गुलशेर और दिलशेर विंद के गोलू हणी कत्ल कर। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद सोलाई से फरार थण में कामयाब। पुलिस मौजूब मकतूल नौजवान गोठ आरिब माछी जा रहवासी है। नवकोट में पुलिस की हिरासत में फौत थी वेल नौजवान मंजूर कोराई के वारसन जो लाश दफनाने का इनकार।
बे ॾींहं बि लाश सूदो धरणो जारी। धरणे सबबु ईंदड़ ट्रैफिक मुअतल। वारसन इल्ज़ाम हयो आहे त पुलिस तशद्दुद करे नौजवान खे मारियो आहे। मुलविस अमलदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियण ताईं एहतजाज जारी रहंदो। गुडू वेझो अणॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में पीउ क़तल, पुटु ज़ख़्मी। RD-17 वटि हथियारबंदनि फायरिंग करे 45 वरनि जे गदा सावंत खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। सनस पुटु अली ज़ख़्मी थी पियो। पुलिस पहुची लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल कया। वाक़िए जो कारण सावंत सब्ज़ोई धुरनि जो पुराणो तकरारु ॿुधायो पियो। मुल्क जे बानी क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना जी अॼु 74 वर्सी मल्हाई पई वञे। सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ऐं वक़्ती गवर्नर आगा सिराज दुरानी तरफ़ां मज़ार ते हाज़िरी। गुलनि जी चादर पिणु चाढ़ी। वॾे वज़ीर ऐं गवर्नर पारां क़ाइद आज़म खे भेटा पेश। मीरपुर ख़ासि पुलिस हथां अॻूणी ज़ाल खे धमकियूं ॾियण जे इल्ज़ाम हेठि ट्रांसपोर्टर सलामत लाखो साथी समेत गिरफ़्तार। पुलिस सेटेलाइट टाउन में कार्रवाई कंदे सलामत लाखो ऐं मोहम्मद अली समूह खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस जो चवणु आहे त सलामत लाखो ख़िलाफ़ अॻूणी ज़ाल महानूर सखर में धमकियूं ॾियण जो केस दाख़िल करायो हो। ॿई जवाबदार सखर पुलिस हवाले कया वेंदा। भिटशा में लाखेड़े लतीफ़ जे 279 उर्स मुबारक जूं तकरीबूं जारी। सिंधी कुंड कुर्छ मां पांदियड़ा पहुचणु लॻा। वक़्ती गवर्नर आगा सिराज दुरानी बि दरगाह ते पहुची गुलनि जी चादर चाढ़ी। क़ाइम मक़ाम सजादा नशीन मज़ार ते चादर चाढ़े ग़ैर सरकारी तकरीबुनि जो इफ़्तिताह कयो। बोर्ड ऐं बरसातुनि सबबु सरकारी तकरीबूं मुलतवी कई वियूं आहिनि। ऐं T20 एशिया कप जो टाइटल केरु माणींदो? पाकिस्तान ऐं श्रीलंका में अॼु फाइनल दंगल थींदो। ॿिन्ही टीमुनि जा कप्तान फतह लाइ पुरज़म। क़ौमी टीम में ॿिनि तब्दीलनि जा इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक़्त मूजिबि शाम 7 वॻे खेॾी वेंदो। अस्सलामु अलैकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइंस तव्हां ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं हिन ब्रेक खां पोइ।